नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। मैं हूं आपके साथ पवन उप्रेती। सत्यहिंदी.com में आज एक बार हम फिर बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के बीच सियासी कुश्ती चल रही है, लेकिन यह साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर सरकार बनाएगा कौन। चुनाव नतीजे आए, 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बीच में तल्खियां बरकरार हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी का स्टैंड कोई साफ नहीं है, शिवसेना के तेवर बहुत तीखे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि महाराष्ट्र में आखिर सरकार बनेगी कैसे। इस सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से, महाराष्ट्र की राजनीति से यह आई है कि राज्य में शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बना सकते हैं और कांग्रेस इसे बाहर से समर्थन दे सकती है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है और उसमें एनसीपी के नेता के एक नेता के हवाले से ये बात कही गई है। इसमें कहा यह गया है कि शिवसेना की एनसीपी शिवसेना के साथ सरकार बनाने की इच्छुक है और कांग्रेस उसे बाहर से समर्थन दे सकती है, लेकिन इसको बहुत पुष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर इस तरह की कोई बातचीत हो रही है महाराष्ट्र की सियासत में, तो यह माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में राज्य में बीजेपी से हटकर एक सरकार वहां पर बन सकती है। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में कई तरह की तिकड़में भी शुरू हो गई हैं। तिकड़में यह है कि महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर यह भ्रम, ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अगर वहां बीजेपी के बिना कोई सरकार बनेगी तो वो एक अस्थिर सरकार होगी और राज्य में एक साल के भीतर ही विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार गठन का मसला फंसा हुआ है और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से इस मसले पर मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के पास वो जो जादुई आंकड़ा है 145 विधायकों का, उतने विधायकों का समर्थन नहीं है। उसने कोशिश की है कि वो कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करे, लेकिन बावजूद इसके 145 का जो मैजिक नंबर है उससे वो बहुत दूर है। ऐसे समय में ये खबर आना कि कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी और एनसीपी और शिवसेना राज्य में मिलकर सरकार बनाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और इसमें 1995 वाला एक फॉर्मूला है जो बीजेपी और शिवसेना की जब सरकार बनी थी तो उसमें 1995 वाले फॉर्मूले के तहत बनी थी। वो फॉर्मूला तब यह हुआ था कि तब मुख्यमंत्री का पद शिवसेना के पास था और उप मुख्यमंत्री का जो डेप्यूटी सीएम का पद है वो बीजेपी के पास था। उसी फॉर्मूले को आगे रखकर यह बातचीत चल रही है और कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना का होगा लेकिन डिप्टी सीएम की जो कुर्सी रहेगी वो एनसीपी के पास रहेगी। तो ऐसे हालात में माना यह जाना चाहिए कि क्या राज्य में बहुत जल्द कोई सरकार बन सकती है, क्योंकि शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं, इस बात के बयान दे रहे हैं कि राज्य में बहुत जल्द एक सरकार बन सकती है। संजय राउत इतना तक कह चुके हैं कि उनके पास 170 विधायकों का समर्थन हासिल है। सवाल यह खड़ा होता है कि जिस पार्टी के पास अपने 56 विधायकों और 5 से 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हो, ऐसे में उस पार्टी के कोई प्रवक्ता ये बयान कैसे दे सकते हैं कि उनके पास 170 विधायकों का समर्थन है। निश्चित रूप से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच में कोई सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है, चाहे उन्होंने बाहर ये बयान दिए हों कि उन्हें शिवसेना की तरफ से कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं मिला है। जैसा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें शिवसेना की ओर से सरकार गठन को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन संजय राउत के बयानों को अगर देखें, जिस तरह लगातार वो बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, सामना में उन्होंने संपादकीय जो लिखते हैं उसमें भी उन्होंने बीजेपी पर हमला किया है, उससे यह जरूर लगता है कि शिवसेना को यह भरोसा है या शिवसेना की कोई बातचीत कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन से चल रही है। और अब जब यह खबर सामने आई है अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें एनसीपी के एक नेता के हवाले से कहा गया है कि शिवसेना और एनसीपी सरकार बना सकते हैं और कांग्रेस उसे समर्थन दे सकती है, तो ये बातें इस ओर इशारा करती है कि राज्य में कोई नई सरकार बन सकती है। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि सोनिया गांधी, इससे पहले जब खबर यह आई थी कि शरद पवार राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं और उस सरकार में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना तीनों रहेंगे, तो फिर खबर यह आई थी कि सोनिया गांधी ने ऐसी किसी सरकार को समर्थन देने से इनकार किया है जिसमें शिवसेना भी हो, लेकिन कांग्रेस सैद्धांतिक जो उसका समर्थन है वो जरूर दे सकती है, वो बाहर से सपोर्ट कर सकती है और इस तरह राज्य में एनसीपी और शिवसेना की सरकार बन सकती है। इसके अलावा सामना में जब
संजय राउत ने लगातार बीजेपी पर हमला किया तो उसमें बीजेपी से संबंधित एक पत्रिका तरुण भारत ने भी संजय राउत पर हमला किया है और संजय राउत की तुलना बेताल से की है। तो इस तरह जो ये सियासी बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लगता नहीं कि बीजेपी और शिवसेना एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। 8 नवंबर तक की तारीख है राज्यपाल के पास जाने की सरकार के गठन के प्रस्ताव को लेकर, वरना उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन ये जो शिवसेना एनसीपी की सरकार का फॉर्मूला है और कांग्रेस का इसको बाहर से समर्थन देने का फॉर्मूला है, इसमें एक शर्त ये भी है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यह इस पर निर्भर करेगा कि शिवसेना बीजेपी के साथ अपना गठबंधन पहले तोड़े और उसके बाद वो इन दलों को आमंत्रित करे सरकार बनाने के लिए। क्योंकि शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत स्पष्ट कह चुके हैं कि पहले एक बार बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर ले, हम उन्हें विधानसभा में हराएंगे और उसके बाद हम अपनी सरकार बनाने की तैयारी करेंगे। इस खबर के बाद महाराष्ट्र की सियासत में सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है और यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में एक नई सरकार सामने आ सकती है जिसमें शिवसेना और एनसीपी सरकार में साझेदार होंगे और कांग्रेस उसे बाहर से समर्थन देगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। जाने से पहले एक अपील मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।